नमस्कार मित्रों, आज शुरुआत करते हम दैनिक जागरण न्यूज़पेपर का एनालिसिस करना। तो आज तारीख 5 सितंबर 2022 और आज का दिन है सोमवार। और आज हमें पता है कि आज शिक्षक दिवस है, तो सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो हम विस्तृत विश्लेषण करने से पहले एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं कि आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। तो हमारी पहली खबर रहेगी कि घरेलू हिंसा को लेकर नालसा यानी नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी ने क्या रिपोर्ट पेश की सुप्रीम कोर्ट में, वह घरेलू हिंसा से बचाव के लिए कौन सा है कानून। फिर हम देखेंगे कि RFID यानी रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन क्या होती है और कैसे काम करती है और इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है। RIC यानी रूस इंडिया चाइना में सहयोग की असाधारण क्षमता, क्यों कहा रूसी राजदूत ने ऐसा। भारत की स्पेस इकोनॉमी में कितनी है हिस्सेदारी, वह आगे कितनी हो सकती है इसकी हिस्सेदारी की संभावना है। फिर देखेंगे हम कि वैश्विक व्यापार के लिहाज से चीन में मंदी का कैसे भारत को लाभ मिलेगा। फिर हम महान शिक्षक लेखक व प्रशासक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के बारे में देखेंगे। उसके बाद हम जापान की मैप का एनालिसिस करेंगे, फिर मंगोलिया की मैप को देखेंगे, फिर एक बार तीस्ता नदी को देखेंगे, वीडियो देखेंगे, फिर रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन क्या होती है इसको देखेंगे, फिर कैसे RIFT काम करती है, किस तरह से टोल टैक्स में ये काम करेगी, फिर हम एक बार गूगल मैप को भी देखेंगे। तो इस तरह से ये हमारे चर्चा के बिंदु रहेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं हमारी पहली खबर से। तो टाटा संस के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री का सड़क हादसे में निधन। तो टाटा संस के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री का कहीं ना कहीं जो कार दुर्घटना में जो निधन हो गए हैं, कहीं ना कहीं जो ड्राइवर ने गलत साइड से एक अन्य वाहन को ओवरटेक करने का प्रयास किया था। तो अब हमारे लिए एग्जाम पर्सपेक्टिव से किस लिहाज से महत्वपूर्ण होती है कि हाल ही में जो टाटा संस के पूर्व चेयरमैन कौन थे जिनकी कहीं कहीं कार दुर्घटना में हादसा हो गया है, तो हमें इस लिहाज से देखना। अब चलते हैं हमारी अगली। घरेलू हिंसा में सर्वाधिक दर्ज और लंबित मामले यूपी में। तो नालसा ने सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट दाखिल कर देश में लंबित मामलों के दिए आंकड़े। सुप्रीम कोर्ट इस मुद्दे पर कल करेगा सुनवाई। तो कहीं ना कहीं जो घरेलू हिंसा कानून 2005 के तहत सर्वाधिक मामले उत्तर प्रदेश में लंबी थे और महाराष्ट्र दूसरे नंबर पे, यानी नालसा यानी नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई एक ताजा रिपोर्ट में जानकारी मिली है कि घरेलू हिंसा कानून लागू होने के बाद से अब तक इस कानून के तहत पूरे देश में कुल 11,93,359 केस दर्ज हुए, जिसमें से 7,27,788 निपटाए गए और 4,71,684 मामले अभी भी लंबित हैं। घरेलू हिंसा कानून को प्रभावी ढंग से लागू करने और कानून के तहत पीड़ित महिलाओं के संरक्षण और सहायता के लिए तंत्र को जमीनी स्तर पर प्रभावी बनाए जाने की जो मांग किए गए हैं, जो याचिका दायर की थी। कोर्ट ने जानकारी मांगी कि घरेलू हिंसा कानून लागू होने के बाद से अब तक देश भर में इस कानून के तहत कुल कितने मामले दर्ज हुए और कितने निपटाए गए हैं, इसके अलावा कानून के तहत कितने प्रोटेक्शन अधिकारी या सर्विस प्रोवाइडर हैं, यानी सर्विस प्रोवाइडर मतलब जो पीड़ित महिलाओं को सहायता प्रदान करते हैं। अब यह खबर हमारे किस लिहाज से महत्वपूर्ण है, क्योंकि GS1 यानी महिला और महिलाओं से संबंधित जो विषय या मुद्दे होते हैं उनसे यहाँ से जो मेंस के प्रस्पेक्टिव से प्रश्न बनते हैं, और दूसरा है कि जो इजे यानी निबंध होता है उसमें भी कहीं ना कहीं जो महिलाओं से संबंधित जो घरेलू हिंसा है, यौन उत्पीड़न जैसे मामले है उनसे कहीं ना कहीं निबंध पूछा जा सकता है कि इससे क्या बचाव हो सकते हैं, भारत सरकार ने इसके लिए क्या कदम उठाए हैं। अब हम थोड़ी घरेलू हिंसा को देख लेते कि घरेलू हिंसा वैवाहिक दुर्व्यवहार, अंतरंग साथी हिंसा, घरेलू मारपीट या पारिवारिक हिंसा, सहवास अथवा विवाह जैसे संबंधों यानी बंधनों के बाद घरेलू स्तर पर एक साथी का अन्य साथी के साथ मारपीट या दुर्व्यवहार को प्रकट करने वाला एक तरह से
शब्द है कौन सा? करेलो हिंसा, अंतरंग साथी या जीवन साथी के साथ दुर्व्यवहार भी कहीं ना कहीं घरेलू हिंसा की श्रेणी में आता है। तो घरेलू हिंसा के शारीरिक, भावनात्मक, मौखिक, आर्थिक और यौन शोषण सहित विभिन्न रूप हो सकते हैं, जिसे दूरता से लेकर विवाह पश्चात बलात् यौन संबंध और हिंसक शारीरिक शोषण भी शामिल है। अब इसके परिणाम स्वरूप कहीं ना कहीं मानसिक अथवा शारीरिक विरूपण अथवा मौत की भी कहीं ना कहीं संभव हो सकती है। तो इस तरह से हमको एक घरेलू हिंसा का ओवरव्यू लेना था। तो इस तरह हमें इस खबर को देखना है, हमें इन आंकड़ों को भी याद रखना है ताकि हम हमारे जो एग्जाम लिखते समय उसमें प्रस्तुत कर सके। अब चलते हैं हमारी अगली खबर। RFID युक्त होंगे 10 और टोल नाके, तो व्यावसायिक वाहनों के प्रवेश के लिए राजधानी के 10 और टोल नाके रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन यानी RFID युक्त होंगे। दिल्ली में प्रदूषण कम करने और व्यावसायिक वाहनों की निगरानी के लिए नगर निगम ने यह निर्णय लिया है। तो अभी हम देखेंगे कि RFID जो टेक्नोलॉजी है वो क्या होती है और किस तरह से काम करती है। तो रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन यानी हिंदी में बोलते हैं रेडियो आवृत्ति पहचान, आमतौर पर इसे RFID टैग के रूप में भी संदर्भित किया जाता है, जिसे एक उत्पाद, पशु या व्यक्ति में रेडियो तरंगों के इस्तेमाल से पहचान करने और ट्रैकिंग के उद्देश्यों से लगाया जाता है। कुछ टैग को कई मीटर दूर से और पाठक की दृष्टि रेखा के पार भी से पढ़ा जा सकता है। और कहीं ना कहीं जो अब देख लेते हैं कि जो RFID टैग के कितने प्रकार होते हैं, तो इसके तीन प्रकार होते हैं। एक होता है सक्रिय यानी एक्टिव RFID टैग, जिसमें एक बैटरी होती है और इस संकेतों को स्वतंत्र रूप से संचारित कर सकते हैं। दूसरा है निष्क्रिय RFID टैग, जिसमें बैटरी नहीं होती है और संकेत संचरण प्रेरित करने के लिए एक बाहरी स्रोत की जरूरत होती है। और तीसरा है बैटरी समर्पित निष्क्रिय, जिसे जागने के लिए बाहरी स्रोत की आवश्यकता है, लेकिन इसमें महत्वपूर्ण उच्च फॉरवर्ड लिंक क्षमता है जो अत्यधिक पठन सीमा प्रदान करता है। तो ये जो पशुओं का चित्र दिखाया हुआ है कि यहाँ किस तरह से जो एक GPS RFID प्रौद्योगिकी के उपयोग से कहीं ना कहीं जो पशु प्रबंधन का किया जा रहा है यहाँ, और इन बछड़ों के कान पर एक इलेक्ट्रॉनिक ER टैग और झुंड प्रबंधन टैग जो ये पेला लगाया हुआ है, तो किस तरह से जो RFID का इस्तेमाल करके कहीं ना कहीं जो पशु प्रबंधन भी किया जा रहा है, ताकि कहीं ना कहीं इनका जो मैनेजमेंट है वो अच्छी तरह से कुशलता के साथ किया जा सके। जो RFID के कई अनुप्रयोग हैं, उदाहरण के लिए उद्यम के आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन में इसका इस्तेमाल किया जाता है, यानी सप्लाई चेन मैनेजमेंट किया जाता है, ताकि वस्तु सूची पर नजर रखने में और प्रबंधन की कुशलता में सुधार किया जा सके। और कहीं ना कहीं जो RFID के जो वर्तमान उपयोग है वो मोबाइल फोन से भुगतान, परिवहन भुगतान जो हमारा विषय से संबंधित है, कि सरकारें यातायात प्रबंधन के लिए RFID अनुप्रयोगों का उपयोग करती हैं, जबकि मोटर वाहन कंपनियां उत्पाद प्रबंधन के लिए विभिन्न RFID ट्रैकिंग समाधान का उपयोग करती हैं, जिनमें कहीं ना कहीं भविष्य में इसकी और संभावना है, ताकि कहीं ना कहीं जो टोल प्लाजा है उनमें इसका इस्तेमाल बढ़ाया जा सके। और इसको कहीं ना कहीं गोपनीयता को लेकर कहीं ना कहीं इसमें एक चिंता भी बनी हुई है। और कहीं ना कहीं जो रिटेलर्स की शॉप्स होती हैं, वहां भी कहीं ना कहीं जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको स्कैन करने के लिए कहीं ना कहीं जो RFID जो टेक्नोलॉजी उसका इस्तेमाल किया जाता है, ताकि उसकी प्राइस, उसकी डिटेल्स के बारे में पता लगाया जा सके। ये जो पशु है उसके कान में कहीं ना कहीं एक टैग के साथ एक बेड है, जिसको कहीं ना कहीं जो ये RFID लगी हुई है, एक तरह से ये इस तरह के बार कोड से इस्तेमाल किए जाते हैं। और ये एक उत्पाद से निकाला गया आधुनिक उपभोक्ता खुदरा RFID टैग्स। इसमें क्या समस्याएं और चिंताएं? तो वैश्विक मानकीकरण को लेकर सुरक्षा चिंताएं, शोषण, पासपोर्ट परिरक्षण
और इससे संबंधित विवाद कौन से हैं? तो गोपनीयता को लेकर और मानव प्रत्यारोपण को लेकर, सरकारी नियंत्रण को लेकर। तो इस तरह से हम इसको कवर को देखेंगे। तो ये एक RFID स्कैनर्स है, अभी देखेंगे हम कि इनको किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। इसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके कहीं कहीं जो टोल प्लाजा है वहां पर जो गाड़ियों की प्लेट्स हैं उनको स्कैनर के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये एक पिक्चर दिखाया हुआ है कि किस तरह से जो RFID काम करेगी। तो ये गेट्स है, ये डिस्प्ले इंफॉर्मेशन है, और ये एक तरह से जो गाड़ी है उस पर एक तरह से आइडेंटिफिकेशन सिंबल लगा हुआ होगा, जो कहीं ना कहीं एक तरह से जो सिग्नल है, जो सिग्नल से उसको कहीं ना कहीं ट्रांसमिट करेगा। और यहाँ पे ऊपर कहीं ना कहीं एक तरह से एग्जामिनेशन ऑफ आइडेंटिफिकेशन सिंबल लगा होगा, और दूसरा है एग्जामिनेशन ऑफ ट्रेवल इंफॉर्मेशन। और जो यहाँ पर जो सिंबल लगा हुआ होगा, यानी यहाँ अगर RFID टैग लगा दिया जाएगा तो ये कहीं ना कहीं जो सिंबल है इसका आइडेंटिफिकेशन सिंबल, इसको स्कैन करके कहीं ना कहीं जो इसका टोल प्लाजा का जो चार्ज है उसको काट लेगा, और उसकी पूरी डिटेल्स कहीं ना कहीं एक तरह से रिसीव करके ना कहीं कहीं जो सर्वर से वहां पर भेज देगा, और कहीं ना कहीं यहाँ पर जो मैन पावर की जो जरूरत होती है उसे भी कम कर देगा, जिससे कहीं ना कहीं जो जो टाइम लगता था कहीं ना कहीं जो टोल में, उस समय को भी रिड्यूस किया जा सकेगा। As traffic passes the toll area at highway speeds, technology is hard at work generating a toll transaction for each vehicle. Laser detectors sense a vehicle approaching, triggering the pass reader equipment. The reader searches for a good-to-go pass radio frequency. If the reader gets no radio frequency feedback, the system activates the license plate camera. The camera snaps a photo of the front license plate. A video camera records the whole tolling area for checks and balances. Treadles under the roadway count vehicle axles. A photo is also taken of the rear plate as a backup. The automatic system tracks four elements: time and date, good to go pass or license plate, and the number of axles, recording them in one transaction. Each transaction is transmitted instantaneously to the customer service center via fiber optics. For good-to-go transactions, the system double-checks the crossing time and number of axles to determine the toll rate and automatically deducts the toll from the customer's account. For pay-by-plate transactions, the system processes the license plate pictures to determine if the number is linked to a prepaid account. If that plate number is already on an account, the system double checks the crossing time and axle information to determine the toll rate and automatically deducts the toll from the prepaid account. If not, after the system double checks the crossing time and axle information to determine the toll rate, a bill is sent in the mail to the registered vehicle owner. The owner will have up to 80 days to pay the toll bill before a notice of civil penalty is issued. For more information, visit www. तो भी हमने देखा कि किस तरह से जो एक इलेक्ट्रॉनिक जो टोल प्लाजा है किस तरह से काम करता है। तो उसी में कहीं ना कहीं जो RFID है उससे कहीं ना कहीं उसको युक्त कर दिया जाएगा, जिससे कहीं ना कहीं जो समय है उसकी बचत होगी, और ज्यादा जो गाड़ियां हैं उससे कहीं ना कहीं जो समय है उनको टोल प्लाजा से निकलने का कहीं ना कहीं एक तरह से कम समय में ज्यादा गाड़ियां निकल पाएगी। भारत में रहकर शेख हसीना ने बचाई थी अपनी जान। तो ऐसा क्यों कहा? क्योंकि जैसे हमें पता है कि जो 1947 में भारत आजाद हुआ, और कहीं ना कहीं 14 अगस्त को कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान था तो उसके दो हिस्से थे एक तरह से। तो एक था पश्चिम पाकिस्तान, एक था पूर्वी पाकिस्तान। तो पूर्वी पाकिस्तान में कहीं ना कहीं जो पश्चिम पाकिस्तान के जो लोग थे उन्होंने कहीं ना कहीं द्वयम दरे का व्यवहार किया, उसको लेकर कहीं ना कहीं जो 1971 में जो बांग्लादेश, जो आज हम जिसे बांग्लादेश बोलते उसका पहले नाम पूर्वी पाकिस्तान था, जिससे कहीं ना कहीं जो पश्चिम पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान को लेकर दोनों के बीच में कहीं ना कहीं युद्ध छिड़ गया। तो भारत सरकार ने कहीं ना कहीं जो मुक्ति वाहिनी सेना के थ्रू कहीं ना कहीं जो पूर्वी बांग्लादेश जो पूर्वी पाकिस्तान उसकी सहायता की, और कहीं ना कहीं जो उसकी आजादी में कहीं ना कहीं जो भारत ने अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो उसी को लेकर बताई गई है कि शेख हसीना ने जब 1971 में जो युद्ध हो रहा था, जो कहीं ना कहीं जो पूर्वी पाकिस्तान में जो पश्चिम पाकिस्तान के जो लोग अत्याचार कर रहे थे, तो उसी को देखते जो शेख हसीना भारत में आकर अपनी जान बचाई थी। और कहने के जो उनके पिता हैं शेख मुजीबुर रहमान, कहने के उन्हें जो बांग्लादेश के कहने के एक तरह से
जो राष्ट्रपिता कहा जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने जो बांग्लादेश की जो मुक्ति में महत्वपूर्ण योगदान निभाया था, क्योंकि जो पूरे पश्चिम पाकिस्तान के लोग कहीं ना कहीं जो पूर्वी पाकिस्तान है उनको कहीं ना कहीं एक तरह से उनके साथ अत्याचार कर रहे थे, उनके साथ एक तरह से दोयम दर्जे का व्यवहार कर रहे थे। कोई भी सरकारी पदों में उनको कहीं ना कहीं जो नौकरियां हैं वो नहीं मिल रही थी। दूसरा है कि कहीं ना कहीं जो उस समय एक तत्कालिक कारण इसका चुनाव भी था, कहीं ना कहीं जो जो बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान की जो पार्टी जीती थी, लेकिन उन्हें सरकार बनाने नहीं दिया गया था। फिर इसी को लेकर कहीं ना कहीं ये जो युद्ध है वो छिड़ गया और भारत ने कहीं ना कहीं मुक्ति वाहिनी सेना के थ्रू कहीं ना कहीं जो आज बांग्लादेश है उसकी मदद की थी। तो उसी को देखते हुए कहीं ना कहीं जो जो शेख हसीना ने कहा इस तरह की बात। तब हम इसको अपने एग्जाम परस्पेक्टिव से देख ले, ये तो एक तरह से इतिहास हो गया। अब हाल ही में कहीं ना कहीं जो पीएम बांग्लादेश की कहीं ना कहीं भारत आई है, तो अब उनके बीच में किन चीजों को लेकर बातचीत होगी, तो इसको हमको अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लिहाज से देखना है। तो कहीं ना कहीं जो बांग्लादेश ऊर्जा खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में भारत के साथ काम करने का एक तरह से इच्छुक है, यूक्रेन संकट वैश्विक आर्थिक मंदी को लेकर कहीं ना कहीं जो मुद्दे हैं उन पर चर्चा की जाएगी, सुरक्षा सहयोग निवेश व्यापारिक संबंध बढ़ाने साझा नदियां का जल बंटवारा सीमा प्रबंधन आदि मुद्दों पर कहीं ना कहीं गहन बातचीत होगी। और जो बांग्लादेश के प्रथम प्रधानमंत्री और बंग बंधु कौन थे, तो शेख मुजीबुर रहमान। तीस्ता नदी सहित तमाम जो नदियां उनके जल बंटवारों के विषय पर कहीं ना कहीं भारत और बांग्लादेश के बीच कहीं ना कहीं बातचीत होगी, ताकि कहीं ना कहीं एक निष्कर्ष पर पहुंचा जा सके कि कौन सी नदी का कितना पानी भारत और बांग्लादेश प्रयोग करेगा। तो अभी हम तीस्ता नदी को देख लेते हैं। तो ये बांग्लादेश और ये हमारा प्यारा भारत, तो कहीं ना कहीं जो तीस्ता नदी है कहीं को सिक्किम पश्चिम बंगाल से होते हुए कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान बांग्लादेश में एंटर करी, और कौन सी नदी में जाकर मिल रही, तो जमुना मिल रही, जिसे हम क्या बोलते हैं, ब्रह्मपुत्र बोलते हैं। अब हम ब्रह्मपुत्र को देख लेते हैं, तो इसका जो तिब्बत में नाम क्या हो जाता है, यारलुंग सांगपो और सियांग वियांग नाम से कहीं ना कहीं ये भारत में प्रवेश करते हैं। ये ऊपर हिमालय आ गया है, कहीं ना कहीं जो अरुणाचल प्रदेश का भी ज्यादातर हिस्सा कहीं ना कहीं हिमालय क्षेत्र में अवस्थित हो गया है। अब हम देख लेते हैं कि जो ब्रह्मपुत्र है उसमें जो दाई ओर से और बाई ओर से कौन सी नदियां मिलती हैं। तो पहले देख लेते हैं हम कि दाई ओर से कौन सी नदियां मिल रही है, तो एक सुबनश्री मिल रही है, एक कामेंग मिल रही है, एक मानस मिल रही है और एक रेडक है। तो इस तरह से हमको देखना है। अब देख लेते हैं हम कि बाई तरफ से कौन सी मिल रही है, तो एक तरह से दिवांग लोहित बुरहित दिहांग और एक है धनश्री और एक है कपिली। और आगे जब बांग्लादेश में जाती है तो इसका नाम जमुना पड़ जाता है और गंगा का पद्मा पड़ जाता है, और दोनों मिलकर कहीं ना कहीं यहाँ पर सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है। तो इस मैप में और दिखाया हुआ है कि जो हिमालय क्षेत्र है, जो माउंट एवरेस्ट है, तो कहीं ना कहीं वो हिमालय के इस क्षेत्र में अवस्थित है। और ये हमारा ये भूटान वाला हो गया, इसके भी कहीं ना कहीं उत्तरी क्षेत्र में एक तरह से हिमालय वाले क्षेत्र आ गए, जहाँ कहीं ना कहीं लंबे जो बर्फ पड़ी रहती है, और कहीं ना कहीं यहीं से ज्यादातर नदियों का उद्गम स्थल भी है, जो कहीं ना कहीं भारत से होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है। तो कहीं ना कहीं ऐसी 54 नदियां जिनको लेकर भारत और बांग्लादेश के बीच में जो जल बंटवारे को लेकर कहीं ना कहीं चर्चा होगी। तो इस तरह से हमको इसको देखना है। अब चलते हैं हमारी अगली खबर। रूस भारत चीन में सहयोग की असाधारण क्षमता। तो कहीं ना कहीं जो भारत में जो रूसी राजदूत डेनिस अलीपोव ने कहा कि रूस भारत चीन यानी RIC यानी रशिया इंडिया चाइना त्रिपक्षीय ढांचे में सहयोग की असाधारण क्षमता है। रूस अब भारत और चीन की सकारात्मक वार्ताओं को प्रोत्साहित करने में सहयोगात्मक साबित हो सकता है। रूस और भारत यह सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है कि दोनों रणनीतिक साझेदारों के बीच रक्षा सहयोग और यूक्रेन संकट से बाधित न हो और नकारात्मक बाहरी कारकों से पैदा हुई बाधाओं को प्रभावी ढंग से कम किया जा सके। तो अब ऐसा क्यों कहा, क्योंकि जैसा कि हमें पता है कि भारत और रूस के जो संबंध है वो कहीं ना कहीं ऐतिहासिक है और आज भी बने हुए, और जो भारत और चीन की कहीं ना कहीं सीमा विवाद को लेकर जो हमारे अक्साई चीन को लेकर एक तरह से जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जो CPEC को लेकर अरुणाचल प्रदेश में मैकमोहन लाइन को लेकर तो कहीं ना कहीं इस तरह से विवाद है। तो भारत और चाइना के बीच में एक तरह से जो तनाव बना हुआ है, और भारत और रूस के संबंध अच्छे हैं और रूस और चीन के संबंध अच्छे होने से कहीं ना कहीं जो रूस है
वो दोनों भारत और चीन के बीच में एक तरह से मध्यस्थता निभा सकता है, ताकि भारत और चीन के जो रिश्ते हैं उनको किस तरह से जो तनाव है उसको कम किया जा सके और वापस दोनों को जो संबंध है उनको सुधारा जा सके। तो इस तरह से जो रूसी राजदूत थे इन्होंने अपनी बात कही, इन्होंने अमेरिका पर भी कहीं ना कहीं एक तरह से जो आलोचना की है कि कहीं ना कहीं जो अमेरिका की नीति हिंद प्रशांत पहल की एक तरह से इन्होंने निंदा की। और राजदूत ने कहा कि आरआईसी क्षेत्र में आपसी समझ, विश्वास और स्थिरता को बढ़ाने में सहायक है और यह सदस्य देशों के बीच सहयोग और समन्वय बढ़ाने में अधिक योगदान कर सकती हैं। तो इस तरह से हमको इसको खबर को देखना है, ताकि किस तरह से हमारे जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लिहाज से जो रूस है वो किस तरह से भारत और चीन के बीच में अपनी जो समन्वय, कोऑर्डिनेशन और तनाव को कम करने में भूमिका निभा सकता है, क्योंकि एक रूस ही ऐसा देश है जो कहीं ना कहीं दोनों देशों के साथ उसके अच्छे संबंध है। अब चलते हैं हम हमारी अगली खबर पर। जापान और मंगोलिया की यात्रा पर आज रवाना होंगे राजनाथ सिंह। तो रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री अपने जापानी समकक्षों के साथ करेंगे 2+2 वार्ता। किसी भारतीय रक्षा मंत्री द्वारा इसी पूर्वी एशियाई देश की पहली यात्रा होगी। अब यहाँ जो बात की गई वो किसकी, मंगोलिया की गई है, क्योंकि जापान में तो कहीं ना कहीं दौरे चलते रहते हैं। तो अब हमारे लिहाज से किस लिए महत्वपूर्ण है, हम यहाँ पर कहीं ना कहीं जो मंगोलिया है और जापान है उसके मैप का एनालिसिस करेंगे। तो ये मंगोलिया का मैप हो गया, इसके नीचे चाइना और ऊपर रशिया, केवल इसकी दो ही देश है जिनसे इसकी सीमा लगती है, ये इनर मंगोलिया और कहीं ना कहीं जो गोबी डेजर्ट है वो चाइना और मंगोलिया दोनों के बीच में फैला हुआ है। इसकी राजधानी कौन सी है, तो उलान बटोर इसकी राजधानी है। और जो रशिया है ऊपर कहीं ना कहीं येंसी नदी होकर निकल रही है, और जो मंगोलिया है उसी के ऊपर कहीं ना कहीं जो रशिया में जो लेक बैकाल झील अवस्थित है। दूसरा, इसमें कौन से माउंटेन्स है, तो एक है खानगाई माउंटेन्स, एक खेंती माउंटेन्स, और कौन सी नदी निकल रही, तो तुलुल रिवर्स इससे निकल रही है, और एक अल्टाई माउंटेन्स कहीं ना कहीं जो मंगोलिया में अवस्थित है, एक डारहन। तो इस तरह से हमको देखना है कि कौन से नदी इससे संबंधित है, क्या गोबी डेजर्ट मंगोलिया के अंदर अवस्थित है, हाँ कौन सी जो माउंटेन्स है वो मंगोलिया से संबंधित है, और क्या लेक बैकाल मंगोलिया से ऊपर अवस्थित है। तो इस तरह से हमको इसको देखना है, क्योंकि प्रीलिम्स के रेस्पेक्टिव से यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। अब चलते हैं हम जापान के मैप पर। तो जापान का मैप है ये। अब जापान के पूर्व में इधर पैसिफिक ओशन आ गया और पश्चिम में सी ऑफ जापान आ गया। अब कहने के हम इसके जो एक होनशू और सी ऑफ ओकस्टक इसके ऊपर अवस्थित हो गया, ये नागोया, एक क्योटो, क्योटो प्रोटोकॉल भी एक तरह से संधि हुई थी पर्यावरण को लेकर, टोक्यो, ओसाका, क्यूशू, शिकाई, कोवा। अब इसमें जो द्वीप से कौन कौन से जापान, तो कहने के होकाइडू, होनशू, शाइकोकू, क्योशू, तो ये द्वीपों से मिलकर कहने के जापान बन रहा है। इसकी अन्य भी द्वीप हैं। अब इसी के कहने के जो दक्षिण पश्चिम में ईस्ट चाइना सी, इसके जो दक्षिण में फिलीपींस सी, और इसी के अंतर माउंट फुजी अवस्थित है। ये कौन कौन से देशों से अपनी समुद्री सीमा साझा करता है, देख साउथ कोरिया आ गया है, देख नॉर्थ कोरिया आ गया है, एक चीन है, रशिया है, और नीचे कहीं ना कहीं एक फिलीपींस भी अवस्थित है। नागासाकी और हिरोशिमा, जहाँ कहीं ना कहीं जो अमेरिका ने परमाणु बम गिराए थे, तो हिरोशिमा जो नागासाकी से ऊपर अवस्थित है। कौन से जो द्वीप पर अवस्थित है, तो कहीं ना कहीं होनशु जो द्वीप है उस पर अवस्थित है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो ये हिरोशिमा है कहीं ना कहीं एक तरह से जो होनशु द्वीप है उससे लगा हुआ है, और जो नागासाकी है वो कहीं ना कहीं क्योशु जो आइलैंड से उस पर अवस्थित है, ये रहा नागासाकी। और इसी से ऊपर कहीं ना कहीं ओसाका, कहीं ना कहीं क्योटो, नगोया, जो टोक्यो जिसकी जापान की राजधानी ऊपर अवस्थित है, और एक तरह से शिनाना रिवर्स कहने के इसके बीच में अवस्थित है। दूसरा है लेक बिवा जो कहने के जापान से संबंधित है। तो इस तरह से हमको इसको मैप को देखना है। अब चलते हैं हमारी अगली खबर पे। वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में इसरो की 8% की हिस्सेदारी की संभावना। वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में भारत की हिस्सेदारी
अभी लगभग 2% है, लेकिन वह 8% की हिस्सेदारी हासिल कर सकता है। ऐसा इसरो की साझेदारी में काम कर रहे निजी क्षेत्र की कड़ी मेहनत से ही संभव हो सकता है। एक अधिकारी के अनुसार नई अंतरिक्ष नीति जल्द घोषित होगी। इसमें निजी क्षेत्र के समक्ष आने वाली बाधाओं को दूर किया जाएगा। उपग्रह निर्माण, ट्रांसपोंडर को पट्टे पर देने सहित प्रक्षेपण यान के निर्माण जैसी तमाम संभावनाओं को टटोल सकेंगे। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन व प्राधिकरण केंद्र इन स्पेस के अध्यक्ष पवन कुमार गोयनका ने कहा कि अंतरिक्ष नीति का मुख्य उद्देश्य निजी क्षेत्र को अंतरिक्ष क्षेत्र में बड़ी भूमिका निभाने के लिए प्रेरित करना है। अभी हमारे पास लगभग 100 स्टार्टअप हैं। भारत विश्व के लिए उपग्रह निर्माण केंद्र, छोटे उपग्रह प्रक्षेपण यहाँ से लेकर GSLV तक के लिए प्रक्षेपण स्थल बन सकता है। तो इन्होंने कहने की जो नई अंतरिक्ष नीति से निजी क्षेत्रों के समक्ष आने वाली एक तरह से जो बाधाएं दूर होगी, जो आने वाले समय में भारत कहीं ना कहीं अपनी जो न्यू स्पेस पॉलिसी लाने वाला है, तो वो किस तरह से जो इसरो जो वैश्विक जो स्पेस इकोनॉमी है उसमें भारत की हिस्सेदारी को बढ़ा पाएगी। तो कहीं ना कहीं हमें जो निजी क्षेत्र के लोगों को भी कहीं ना कहीं जो अंतरिक्ष के क्षेत्रों में लाना होगा। जैसे अमेरिका में स्पेस एक्स है, कहीं ना कहीं जो ब्लू ओरिजिन है अमेजन की कंपनी, तो किस तरह से ये कहीं ना कहीं जो निजी क्षेत्र है, आज कहीं ना कहीं जो एलन मस्क की कहीं ना कहीं एक तरह से रीयूजेबल जो रॉकेट्स हैं उनको कहीं ना कहीं एक तरह से निर्माण कर रही, तो किस तरह से हमको भी कहीं ना कहीं अगर वैश्विक हिस्सेदारी में अपनी योगदान बढ़ाना है तो हमें कहीं ना कहीं जो निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन देना ही पड़ेगा। तो इसको लेकर ये बात कही गई है। ये आपका मुद्दा है तो आप इसे जरूर देखिएगा कि आरक्षण को लेकर क्या मुद्दे रहते हैं, कि आर्थिक आरक्षण को लेकर अभी सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, क्या आरक्षण सही है, क्या आरक्षण देना चाहिए, अगर देना चाहिए तो कहाँ तक आरक्षण देना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर क्या कहा है, और बैकलॉग क्या होते हैं, और किस तरह के जो आरक्षण है वो संविधान ने प्रदान किए गए, तो इस तरह से हमको इस खबर को देखना है। अब देखते हैं हमारे बिजनेस से, यानी कि चीन में मंदी से भारत को होगा लाभ। तो वित्त सचिव बोले कि चीन को निर्यात वाले देशों को उठाना पड़ेगा अर्थव्यवस्था में सुस्ती का खामियाजा। तो वित्त सचिव टीवी सोमनाथ ने कहा कि चीन की अर्थव्यवस्था में सुस्ती से कई मायनों में भारतीय अर्थव्यवस्था को फायदा मिल सकता है। चीन की अर्थव्यवस्था काफी बड़ी है और इसका असर उन सभी देशों पर होगा जिनके साथ चीन का व्यापार है। भारत का भी चीन के साथ खासा व्यापार है, हालांकि भारत चीन से भारी मात्रा में आयात करता है और निर्यात कम करता है, और चीन में सुस्ती से उन देशों पर अधिक फर्क पड़ेगा जो चीन को निर्यात अधिक करते हैं और आयात कम करते हैं। तो बड़ी अर्थव्यवस्था होने के नाते चीन भारी मात्रा में प्रमुख वस्तुओं के साथ तेल का बड़ा उपभोक्ता है, और चीन में सुस्ती से इन वस्तुओं की खपत में कमी आएगी जो भारत के पक्ष में हो सकता है। आर्थिक विशेषज्ञों के मुताबिक कहीं ना कहीं जो चीन की खपत कम होने लगी है और चीन के विभिन्न आर्थिक पैमानों के परिणाम इस बात को जाहिर कर रहे हैं। चीन में खपत कम होने से वैश्विक स्तर पर प्रमुख वस्तुओं के साथ कच्चे तेल की कीमत कम हो सकती है, जिसका लाभ भारत को मिल सकता है। भारत अपने निर्यात से जुड़े कई कच्चे माल के लिए चीन पर निर्भर करता है, और वस्तुओं की कीमत कम होने से जो भारत का आयात बिल कम होगा और कच्चे तेल के दाम कम होने से भी भारत के आयात बिल के साथ घरेलू स्तर पर महंगाई में कमी आएगी। अर्थशास्त्रियों ने चीन की विकास दर का अनुमान घटाया। तो जुलाई माह में कहीं की जो चीन के औद्योगिक उत्पादन में गिरावट के साथ बेरोजगारी भी बढ़ गई है। भारत को भविष्य के लिए विकल्प के तौर पर देख रही है अमेरिकी कंपनियां सप्लाई को लेकर चिंतित। तो आर्थिक विशेषज्ञों के मुताबिक कहीं ना कहीं जो चीन में सुस्ती से वैश्विक स्तर पर होने वाले नए निवेश के लिए भारत प्रमुख स्थान के रूप में उभर सकता है और इसके संकेत मिलने लगे हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक चीन में सुस्ती M0 कोरोना नीति को देखते हुए अमेरिकी की जो कंपनियां हैं अपनी सप्लाई चेन को लेकर चिंतित है और वे भारत को एक विकल्प के रूप में टटोलने लगी हैं। तो इस तरह हमको इसको खबर को देखना है कि चीन को होने वाले निर्यात में
34 पॉइंट की गिरावट आई है और सिर्फ 5.9 अरब डॉलर का निर्यात किया गया है। कच्चे तेल के दाम कम होने से भी भारत के आयात बिल के साथ घरेलू स्तर पर महंगाई में भी कमी आएगी। चीन भारी मात्रा में प्रमुख वस्तुओं के साथ तेल का बड़ा उपभोक्ता है, तो कहीं ना कहीं अब हमें इस खबर को किस तरह से लिहाज करना है कि कहीं ना कहीं जो जैसे ही अर्थव्यवस्था में जो विकास की दर घटने लगी है तो कहीं ना कहीं उससे बेरोजगारी बढ़ने लगी है। बेरोजगारी बढ़ रही है तो कहीं ना कहीं अगर खपत कम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उससे डिमांड कम हो रही है। डिमांड कम होने से कहीं ना कहीं जो उसकी कीमत कम हो रही है, और एक डिमांड जो कीमत कम होने से ये किस तरह से जो महंगाई है वो कम होती जा रही है। तो इस तरह से इस खबर को देखना है कि इसका आयात निर्यात पर किस तरह से असर पड़ता है, और कहीं ना कहीं जो फॉरेन एक्सचेंज है जो रिजर्व भंडार रखे गए हैं उन पर क्या असर पड़ता है। तो इस तरह से हमको इस खबर को देखना है ताकि हमें केवल चीन में और भारत के लिहाज से नहीं, हमारी जो इकोनॉमी है उसके लिहाज से भी देखना है, ताकि इन विषय को हम महंगाई से कनेक्ट कर सके, विकास से कर सके, औद्योगिक उत्पादन से कर सके, कंजप्शन से जो लिंक कर सके। तो इस तरह से हमको इसको देखना है ताकि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लिहाज से तो महत्वपूर्ण है और इकोनॉमी के लिहाज से भी हमको इस खबर को देखना है। अब बढ़ते हम आगे। अमित शाह ने किया राष्ट्रीय खेलों के गीत और शुभंकर का अनावरण। तो 36वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर कहीं ना कहीं जो गुजरात में होने वाले 36वें राष्ट्रीय खेल का कहीं ना कहीं जो केंद्रीय जो गृह मंत्री ने कहीं ना कहीं एक तरह से जो शुभारंभ किया है। तो अब हमें यहाँ किस लिहाज से देखना है कि जो खेल है, जो राष्ट्रीय खेल है 36वें राष्ट्रीय खेल कहाँ हो रहे हैं, कौन से नंबर के हैं। दूसरा है कि जो उनका शुभंकर है कौन है, तो शुभंकर कौन है, तो गुजराती में शावक नामक शेर की तरह दिखता, तो कहीं ना कहीं इसे शुभंकर बनाया गया है। तो इस तरह से हमें देखना है क्योंकि जो प्रीलिम्स प्रोस्पेक्टिव यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। अब आज चलते हैं, जो आज शिक्षक दिवस मना रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी के जन्मदिन के अवसर पर ही हम जो शिक्षक दिवस है मनाते हैं, तो हम इनके बारे में थोड़ी सी देख लेते हैं। तो महान शिक्षक, प्रसिद्ध लेखक और प्रशासक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण का जन्म 1888 में आज ही दक्षिण भारत के तिरुतनी में हुआ था। राधाकृष्ण ने उच्च शिक्षा प्राप्त कर 40 वर्षों तक कई प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में अध्यापन किया और 1948 में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष बनकर आधुनिक शिक्षा की नींव रखने में अग्रणी भूमिका निभाई और वर्ष 1949 से 1952 तक सोवियत संघ में भारत के राजदूत रहे। 1952 में देश के पहले उपराष्ट्रपति बने और उसके बाद वर्ष 1962 में देश के दूसरे राष्ट्रपति चुने गए, और इन्हीं के कहने के जन्मदिन पर हम जो शिक्षक दिवस मनाते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पता लगेगा ट्यूमर, तो हमको इस खबर को इस लिहाज से देखना है कि आने वाले समय में जो टेक्नोलॉजी किस तरह से हमारे लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI का प्रयोग जीवन के क्षेत्र में बढ़ता जा रहा है और रोगों की जांच तथा निदान में भी ये एक बड़ा मददगार साबित हो सकती है। तो यहाँ कहने के जो ट्यूमर है उसका बताया होगा कि ट्यूमर में किस तरह से जो आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस है वो मददगार साबित हो सकती है। तो अब हमारा विश्लेषण यही समाप्त होता है, एक बार हम गूगल मैप को देख लेते हैं। तो ये हमारा प्यारा भारत, अब हम चलते हैं तीस्ता नदी पर, तो ये बांग्लादेश आ गया और ये ऊपर कहने के सिक्किम, कंचनजंगा, सिक्किम से होते हुए पश्चिम बंगाल से होते हुए कहीं ना कहीं जो तीस्ता नदी है जाकर इसमें बांग्लादेश में जाकर कहीं ना कहीं जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसमें जाकर मिल रही है। ये खांसी हिल्स, गारो खांसी जयंतियां जो कहीं ना कहीं मेघालय में अवस्थित है, ये ऊपर भूटान, ये नेपाल, यदि आपको मंगोलिया जाना है भारत से तो आपको कम देशों की जो यात्रा करते हुए मंगोलिया पहुंचना है तो उसका जो स्थल रूट वो कौन सा हो सकता है, तो उसका एक जो रास्ता है वो कहीं ना कहीं भारत, भारत से चाइना और चाइना से होते हुए मंगोलिया पहुंचा जा सकता है। दूसरा है कि समुद्री रास्ता कौन सा हो सकता है, तो समुद्री रास्ते में कहीं ना कहीं जो बे ऑफ बंगाल, अंडमान सी से होते हुए, मलक्का स्ट्रेट से होते हुए, साउथ चाइना सी से होते हुए, कहीं ना कहीं पैसिफिक ओशन से होते हुए, कहीं ना कहीं यहाँ से
कहीं ना कहीं चीन के थ्रू भी जा सकता है, और रशिया के थ्रू भी कहीं ना कहीं जो है मंगोलिया में इंटर किया जा सकता है, क्योंकि मंगोलिया की सीमा किसी समुद्र से नहीं लगती है। तो इसलिए हमको देखना है कि किस तरह से हम मंगोलिया जा सकते हैं। अब हम जापान को देखते हैं कि जापान तक कैसे पहुंचा जा सकता है। तो कहीं ना कहीं रास्ता वही रहेगा साउथ चाइना सी से होते हुए, हम कहीं ना कहीं जो फिलीपींस से होते हुए, जो ताइवान स्टेट से होते हुए, कहीं ना कहीं जो जापान है वहां तक पहुंच सकते हैं। तो इस तरह से हमको कहीं ना कहीं मैप को भी देखना है। दूसरा है कि जापान को देखें तो जापान के जो बीचों बीच कहीं ना कहीं इसकी जो राजधानी टोक्यो अवस्थित है, एक तरह से इसके पश्चिम में कहीं ना कहीं जो सी ऑफ जापान या जिसे ईस्ट सी भी कहते हैं अवस्थित है। इसके पूर्व में एक तरह से पैसिफिक ओशन आ गया, और कहने के जो जापान है वो रिंग ऑफ फायर में भी अवस्थित है। और जापान है कहने के जो कर्क रेखा है उससे ऊपर अवस्थित है। मंगोलिया है, मंगोलिया को देखते हैं, जैसे मंगोलिया में ये कहने के जो नीचे है इनर मंगोलिया, और कहने के यही एक तरह से गोबी डेजर्ट अवस्थित है, जो चाइना और कहीं ना कहीं जो मंगोलिया दोनों में अवस्थित है। ये उलान बटोर इसकी राजधानी हो गई। तो लेक बेकाल झील है, कहीं ना कहीं अवस्थित रूस में है, लेकिन कहीं ना कहीं जो मंगोलिया के उत्तर में अवस्थित है। जो मंगोलिया की सीमा किन किन से लग रही, तो एक चाइना से लग रही और एक रशिया से लग रही। तो क्या कजाकिस्तान से इसकी सीमा लग रही? तो कजाकिस्तान से इसकी सीमा नहीं लगती है। एक बांग्लादेश है, तो बांग्लादेश की भारत के किन राज्यों से सीमा लगती है? तो कहीं ना कहीं एक तरह से यहाँ से पश्चिम बंगाल हो गया, इधर से असम हो गया, इधर से मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम से सीमा लगती है। कितनी सीमा लगती है? तो 4,092 किलोमीटर सीमा लगती है। कितने राज्यों से लगती है? तो 5 राज्यों से लगती है। और यही नीचे सुंदरवन डेल्टा अवस्थित हो गया, यानी गंगा का डेल्टा जिसे सुंदरवंस। ये ढाका इसकी राजधानी। ये सुंदरवन नेशनल पार्क्स, एक कलकत्ता। तो इस तरह से हमको इसको मैप को देखना है। तो हमारा विश्लेषण यही समाप्त होता है। धन्यवाद।